हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे? आई एम श्योर अच्छे मस्त और तंदुरुस्त होंगे। इसी के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। एंड बाहर ग्रास कटिंग चल रही है। मैं जहाँ रहती हूँ ये पूरा कम्युनिटी इज कवर्ड बाय गोल्फ एरिया, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे लोग गोल्फ खेलते हैं इतनी धूप में। आई डोंट नो, हैट्स ऑफ। वो जो होता है ना पैशन टू प्ले गोल्फ, सीरियसली मानना पड़ेगा बॉस। यहाँ पे कभी कभार 85-86 फ़ारेनहाइट चला जाता है, स्टिल जो क्रेजी है गोल्फ खेलने के लिए दे कम एंड प्ले। सो या दे डू। आपसे बात करने के साथ ही हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी गोल्फ कार्ट के साथ आ चुके हैं गोल्फ खेलने के लिए। सो यहाँ पे गोल्फ कार्ट हेल्प करता है एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड जाने के लिए, बिकॉज जब आप हिट करते हो बॉल को तो वो बहुत दूर भी पहुँच सकता है। मनोज ब्रेकफास्ट गाइस, आज लंच में मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर पनीर की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने आलू लिया है, पनीर लिया है और ये मटर है। उसके लिए मैंने अनियंस एंड टोमेटोस एंड ग्रीन चिली चॉप कर लिया है। एंड मसाले में मैं चिली पाउडर, क्यूमिन, टर्मरिक गरम मसाला, क्यूमिन सीड्स एंड कोरिएंडर पाउडर, एंड उसी के साथ जो गार्लिक पेस्ट भी है। पतीली को गरम कर ले, उसमें ऑयल डाल के उसको भी हाई फ्लेम में हीट कर ले। उसमें आप हल्दी डालिएगा, चिली पाउडर डालिएगा एंड थोड़ा सा नमक। ये तीनों डाल के उसको थोड़ा सा मिक्स करके उसमें पनीर के क्यूब्स डाल दीजिए और उसको सौते कर लीजिए। 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं, उसको हमें डार्क ब्राउन नहीं करना, जस्ट नॉर्मल सौते करके साइड कर देना है। उसी सेम पतीले में नाउ वी विल पुट थोड़ा और ऑयल, बिकॉज़ हम अभी सब्ज़ी बनाएंगे इसके अंदर। उसमें हम रेड चिलीज डाल देंगे, आपके खड़े मसाले जो भी आपके पास है, एंड उसको सौते कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कार्डमम, लौंग और दालचीनी डाली है। उसके बाद आप इसमें बहुत सारा जीरा डाल देंगे, अगर आपके पास शाही जीरा है तो वो भी डाल दीजिए, उसको सौते कर लीजिए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें अनियंस एंड ग्रीन चिलीज, एंड उसको भी सौते कर लेंगे जब तक ये ट्रांसलेंट नहीं हो जाता है। वंस ये ट्रांसलेंट हो जाएगा, उसके बाद आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए एंड उसको भी थोड़ा सा सौते अच्छे से कर लीजिए। जब आपके अनियंस ट्रांसलेंट हो जाएंगे उसके बाद आपको इसमें आलू डाल देना है, बिकॉज आलू को पकने में ज़्यादा समय लगता है। तो इसको आप मिक्स करके एंड लिड को बंद करके उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिएगा, और लिड को बंद करके उसके भाप से थोड़ा सा आलू जब 60-70% पक जाए उसमें फिर आपको थोड़ा सा हल्दी एंड थोड़ा सा ग्रीन चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर एंड गरम मसाला डालना है। एंड उसको फिर से आपको मिक्स करना है, एंड उसमें आप चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, बिकॉज पानी से आपका जो मसाला है वो जलेगा नहीं। एंड उसको फिर से मिक्स करके ढक दीजिए और पकाइएगा। आलू अच्छे से मिक्स हो जाएगा विथ मसाला। मैंने यहाँ पे तंदूरी मसाला एंड उसके साथ टमाटर डाला है। अगर आपके पास लाल मिर्च का पाउडर है जो कलर देता है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसको फिर से आप ढक दीजिए और इसको कुक होने दीजिए। जब 90% कुक हो जाएगा उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर डाला है। आपका अगर कच्चा मटर है तो आप पहले ही डाल दीजिएगा। एंड इसको फिर से आप मिक्स करके ढक दीजिए और अच्छे से पकने दीजिए। एंड इसके बाद आप थोड़ा सा पानी भी ज़रूर डाल दीजिए, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से। मुझे थोड़ा सा ग्रेवी टाइप पसंद था तो मैंने इसमें ऑलमोस्ट 1/2 लीटर वाटर बॉटल यूज़ किया है। एक बार फिर से ग्रेवी जब गर्म हो जाएगी इसके बाद आप इसमें पनीर डाल दीजिएगा। पनीर डाल के इसको ढक के आप फिर से 5-10 मिनट रख सकते हैं। इसमें मैंने कसूरी मेथी भी डाली है, सो एक अच्छा सा स्वाद आता है कसूरी मेथी डालने के बाद। एंड आपका पनीर ऑलमोस्ट रेडी। पनीर के साथ मैंने सोचा कि वी विल हैव रुमाली रोटी लंच में, सो यहाँ पे फ्रोज़न रुमाली रोटी मिलती है। उसी को तवे में जस्ट मीडियम आंच में रख के आपको बस सेकना है। ये ऑलरेडी कुक्ड है, इसको बस सेकना है एंड आपका रुमाली रोटी भी रेडी हो जाएगा। आफ्टर लंच आफ्टरनून ट्रीट।
I always love Sunday. Guys, it's raining very, very much. बहुत ज़्यादा ज़ोर से रेन हो रहा है. It's really nice weather. जैसे ही मैं बाहर निकली, बारिश की वजह से नीचे पानी हो गया था. मैं यूजुअली शाम को अराउंड 5:30 जिम के लिए निकलती हूँ, एंड ये मेरे कम्युनिटी के अंदर ही है. लाइक इट्स हार्डली 1 मिनट वॉक मेरे बिल्डिंग से. तो या यहाँ पे यूजुअली 5:30, 5 o'clock ज़्यादा लोग होते हैं नहीं, तो इजी रहता है जिम करने के लिए. एंड पूरा देख सकते हैं कि पूरा खाली है, सो मज़ा आता है गाइस. एंड इट्स बिन ऑलमोस्ट 15-20 days. मैं बीच में बहुत सारे ब्रेक्स लेती हूँ गाइस, ऐसा नहीं कि मैं कंटिन्यूस जिम जाती हूँ, बट यूजुअली आई गो. मैं ट्राई करती हूँ हफ्ते में एटलीस्ट 3-4 बार जाऊँ. रेगुलर नहीं हूँ, बट यस 3 से 4 बार ज़रूर जाती हूँ जिम. मज़ा तो आता है डंबल्स उठाने में. पहले जब शुरुआत की थी मैं हार्डली उठा पाती थी 5-10 kgs. अब मैं 20-25 kgs तक उठा सकती हूँ. जिम इज ओवर. ये क्लब एरिया है एंड बार स्विमिंग पूल एरिया है जहाँ पे मैं हार्डली जाती हूँ. रिसेंटली मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदी है बिकॉज आई एम प्लानिंग टू लर्न स्विमिंग, सो मे बी यूज़ आ जाए ये स्विमिंग पूल. एंड अभी बारिश हो रही है गाइज, अगैन बारिश हो रही है. यस बारिश हो रही है गाइज. हाई गाइज, मैं आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करती हूँ. होप आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होगा इन टर्म्स ऑफ कुकिंग, बिकॉज अमेजिंग बना था पनीर आलू मटर का सब्ज़ी. सो डू ट्राई, एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय, टेक केयर.